आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैगेट माइंड क्लास में स्वागत है और हम लोग UPNM MS की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे आज टॉप 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान, ये जो लिखा है इसका मतलब भारतीय है और इसका मतलब संविधान है। हमें ये बताना है इसका कौन सा अनुच्छेद, क्या बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो अस्पृश्यता होता है, अस्पृश्यता से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 360 या फिर ऑप्शन डी 368। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, अनुच्छेद 32, तो इसका जो मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कभी पूछते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो क्या जवाब देंगे, अनुच्छेद 32 में। इसी तरह से 360 के लिए पूछ दे तो 360 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है वित्तीय आपात से। तो ये भी याद करेंगे 32 का संबंध किससे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 360 का संबंध किससे है, वित्तीय आपात से संबंधित है, 368 इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है संविधान संशोधन से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अस्पृश्यता से हमारा अनुच्छेद संबंधित था वो क्या था, अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और उसके साथ साथ अनुच्छेद 32 याद करेंगे, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 360 वित्तीय आपात, 368 संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश है इसमें विधान परिषद की सीटें बतानी है हमें कितनी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, तो क्या इसका जवाब होगा, विधान परिषद की जो सीटें हैं वो सब आप लोग याद रखेंगे। अब अगर बात करें ऑप्शन ए 31 सीटें किसकी होती है, तो 31 सीटें होती है राज्यसभा की, ये याद करेंगे। 80 कह दें तो ये यूपी में राज्यसभा की सीटें होती है, यहाँ पे यूपी में लोकसभा की कुल सीटें 80 होती है, यूपी में लोकसभा की कुल सीटें होती है 80। 545 की बात करें तो ये आपका जो भारत देश है, भारत देश में लोकसभा की सीटें, भारत देश में लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं, जब ये पूछ दिया जाए तो क्या जवाब होगा, 545। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी होती हैं, तो क्या जवाब देंगे, 100 सीटें विधान परिषद की होती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, क्या बताना है कि संविधान की कुंजी किसको कहते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ऑप्शन ए पे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसको जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की कुंजी कहा था। तो ये याद रखेंगे, जब पूछा जाएगा मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है, तो मौलिक अधिकार कितने होते हैं, क्या बताएंगे, 6 याद रखिए। मूल कर्तव्य पूछ दिए जाए ये कितने होते हैं, तो 11 जवाब देंगे। और नीति निदेशक तत्व पे जो क्वेश्चन बनता है कि जो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो क्या जवाब देंगे कि आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और मूल कर्तव्य की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्न में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए, और हमें ये बताना है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो इस पे 4 या 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है,
तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। और कभी पूछ दे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो क्या जवाब देंगे कि जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसी तरह से और क्या पूछ दे कि जो राष्ट्रपति है इसकी शपथ का संबंध किस अनुच्छेद से है तो क्या जवाब देंगे अनुच्छेद 60 से राष्ट्रपति की शपथ का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 दिवस लिखे हुए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, ये भी आपका सही है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है, ये भी सही है। 26 नवंबर संविधान दिवस, ये भी सही है। लेकिन जो 7 दिसंबर है ये किसान दिवस नहीं है। क्या याद रखेंगे कि 7 दिसंबर को क्या होता है तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन कभी ये पूछ दिया जाए कि किसान दिवस कब मनाते हैं तो क्या जवाब देंगे किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।